Welcome students, today we are going to study the customs of various region of Pakistan by syntax English class 10. ये class 10 में पढ़ाया जाता है ये text. तो custom कहते हैं रस्म और रिवाज को various regions of Pakistan, पाकिस्तान के मुख्तलिफ regions के. आइए इसको पढ़ते हैं. Pakistan is full of beautiful natural scenery. In the north area, the snow-capped mountains with their silvery waterfalls and cool lakes. The central part consists of the fertile green plains of the Punjab and Sindh. Pakistan jo hai wo basically full of khoobsurat beautiful natural scenery se mala mal hai. Allah ne isko beauty ata ki hai aur northern part jo hai wo pahadiyon se dhaka hua hai aur waterfalls milenge aur khoobsurat jheel milengi aapko. Isi tarah se central part hai jo Punjab aur Sindh ka wo bada zarkhez hai, green hai. खेती बाड़ी आपको मिलेगी वहां पर पंजाब और सिंध के एरिया में. देन देयर आर द रॉकी रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान एंड द ब्यूटीफुल शोर्स ऑफ द अरेबियन सी. फिर रॉकी रीजन मिलेगा बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका और साहिल समंदर मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा आपको वहां पर. दीज ज्योग्राफिकल वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टेड इन द कस्टम्स ऑफ द पीपल ऑफ वेरियस रीजन ऑफ आर कंट्री. इसी ज्योग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से आपको रिफ्लेक्टेड कस्टम्स नजर आएंगे, मुख्तलिफ कस्टम्स नजर आएंगे, रस्म रिवाज और रहन सहन लोगों का नजर आएगा, हमारे कंट्री के लोगों का. द ट्राइबल पीपल एंड द पठान्स ऑफ द नॉर्थ आर स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग. जो कबायली लोग हैं शुमाली इलाका जात के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिस्मानी तौर पर और बहादुर होते हैं. थ्रू द एजेस दे हैव फाउट द इन्वेडर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये लड़ते रहे हैं उन इन्वेडर्स हमला आवरों से जो इनके हिस्से पे, इन पे मुल्क पे कब्जा करने की कोशिश करते थे जो शुमाल से आते थे. इवन टुडे अ पठान फ्रॉम द ट्राइबल एरिया विल रेयरली बी सीन विदाउट अ फायर आर्म ऑफ सम काइंड. हत्ता कि आज भी ट्राइबल एरिया के पठानों में आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे कि वो विदाउट एनी फायर आर्म के वो घूमते हों. The power of a tribe depends upon the number of its men folk. और जो कबीले की ताकत होती है उसके आदमियों के ऊपर डिपेंड करती है, number of men folk के कितने आदमी हैं उसमें. The birth of a son is therefore regarded as a great blessing for the family. बेटे की पैदाइश इसीलिए रिगार्ड की जाती है एक नेमत के तौर पे फैमिली के लिए. The proud father announces the birth of a son by rifle shots. जो प्राउड फादर हैं वो अनाउंस करते हैं बेटे की पैदाइश को राइफल की फायरिंग के जरिए. द पठान्स आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर. ये बड़े पठान जो है हॉस्पिटेबल होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं बाय नेचर फितरी तौर पे. दियर जेनरोसिटी टू दियर गेस्ट इज वेल नोन. उनकी जो मेहमान नवाजी है जेनरोसिटी वो जानी जाती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, मशहूर है. दे विल प्रोटेक्ट अ विजिटर और अ पर्सन हुम दे हैव गिवन रिफ्यूज. ये उस शख्स की हिफाजत करते हैं, उस मेहमान की जिसको वो रिफ्यूज देते हैं, पना देते हैं अपने पास. इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स. अपनी जिंदगी की भी कीमत अदा करनी पड़े लेकिन उसकी हिफाजत करते हैं उस, क्योंकि वो उनका मेहमान होता है. मैरिजेज आर अरेंज बाय पेरेंट्स. और शादियाँ अरेंज की जाती हैं माँ बाप के जरिए. द पंजाब द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स हैज बीन कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द कायद आजम. पंजाब जिसको कायद आजम ने हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा क्योंकि पांच दरिया है वहां पर. इट हैज ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड अ सीट ऑफ लर्निंग. हमेशा से पंजाब सेंटर ऑफ कल्चर और सीट ऑफ लर्निंग, सीखने की का इलाका रहा है लोगों के लिए. द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल फ्लोरिश नियरली 2500 ईयर्स अगो. और जो टेक्सटाइल की जो यूनिवर्सिटी है वो फ्लोरिश हुई, डिवेलप हुई तकरीबन 2500 ईयर्स पहले. इवन टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर फ्लोरिश इन द पंजाब. हत्ता कि आज भी आप देखें कई स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको पंजाब के रीजन में, सेंटर ऑफ एजुकेशन आप उसको कह सकते हैं. द हैबिट्स डायलेक्ट्स एंड ड्रेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लोगों की आदतें, डायलेक्ट्स, लैंग्वेज, गुफ्तगु, लिबास मुख्तलिफ है प्लेस टू प्लेस अगर आप देखें. विद नियरली एवरी डिस्ट्रिक्ट सम पर्टिकुलर क्राफ्ट इज एसोसिएटेड. हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पर्टिकुलर क्राफ्ट मिलेगा आपको.
The inlet furniture of Chinnor, the sports goods of Sialkot, the cutlery of Wazirabad, the pottery of Gujarat and Bhawalpur, and the embroidery of Multan are very famous all over the country. यानी आपको जो है फर्नीचर जो बहुत मशहूर फर्नीचर मिलेगा डिजाइन हुआ हुआ वो चिन्योट का है और स्पोर्ट सियालकोट का है और जो बर्तन आपको वजीरिस्तान के मिलेंगे और जो मिट्टी के बर्तन गुजरात भावलपुर के मिलेंगे एम्ब्रॉयडरी ड्रेस मुल्तान का मिलेगा और जो पूरा कंट्री में मशहूर है. द पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, फितरी तौर पर बाय नेचर पंजाबी जो है वो मजहबी लोग हैं. Most of their festivals and fairs are connected with urs at the shrines of famous saints. Unke zyadatar festivals jo hai wo connected hote hain urs mein. Urs manaye jaate hain madaron pe. Saints ke sufia kiram ke people from all over the country gather at these shrines, sing devotional songs called qawwalis and participate in the festivities of the fair. Puri country se log aate hain aur mukhtalif मज़ारात पे हाजरियाँ देते हैं और डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं कवालियाँ गाते हैं और मनाते हैं फेस्टिविटीज़ को. द फेमस मेला चिरागा हेल्ड इन लाहौर एवरी ईयर इज़ द उर्स ऑफ सेंट मधुलाल हुसैन. तो मधुलाल हुसैन का उर्स है, फेमस सेंट है, ये मशहूर सूफी हैं. वो मेला चिरागा के नाम से लाहौर में हर साल मनाया जाता है. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द उर्स ऑफ हजरत बाबा फरीद शकरगंज एट पाकपतन एंड दैट ऑफ दाता गंज बख्श इन लाहौर. तो हजारों लाखों लोग आते हैं बाबा फरीद गंज बख्श के मदार पे पाकपतन में, और लाहौर में दाता गंज बख्श के मदार पर हाजिरी देते हैं. Villagers get together in the chopal where they discuss their daily problems. गांव देहात के जो लोग हैं वो चौपाल में इकट्ठे होते हैं, एक पंचायत होती है उनकी, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं अपनी डेली प्रॉब्लम्स, सीक एडवाइस एंड सेटल सम ऑफ देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू द कोर्ट्स. और इकट्ठे होके कुछ एडवाइस लेते हैं, अपने मसलों को हल करते हैं, जो लड़ाइयाँ उनकी आपस की छोटी मोटी बैठ के पंचायत में डिस्कस करते हैं और मसले का हल निकालते हैं कोर्ट में जाए बगैर. यूजुअली दे सिट टॉकिंग हैप्पीली टुगेदर जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ बीइंग टुगेदर. अमूमन वो बैठते हैं हैप्पीली टुगेदर, एक साथ मोहब्बत से पेश आते हैं एक दूसरे के, वक्त अच्छा वक्त गुजारने के लिए. समटाइम्स यंगर पीपल सिंग माया और द एवर पॉपुलर हीर. कभी कभी यंग पीपल जो है वो हीर रांझा के गाने गाते हैं. इन अ विलेज वेडिंग द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम कम टू स्टे मैनी डेज बिफोर द वेडिंग एंड सेरेमनीज कंटिन्यू इवन आफ्टर द वेडिंग. विलेजेस में ऐसा होता है कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं दूल्हा दुल्हन के घर में आ जाते हैं कई दिन पहले और शादी को मनाते हैं खुशी के साथ, उनकी सेरेमनी को उनके घरों में रुकते हैं, स्टे करते हैं. द होल विलेज पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शन. सारा गांव जो है वो उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है शादियों में. गर्ल्स अम्यूज देमसेल्व्स बाय डांसिंग द लुड्डी इन द हाउस. लड़कियां लुड्डी खेल के डांस करके घर में एक्टिविटीज करती हैं, अम्यूज करती हैं, दिल बहलाती हैं अपना. एंड द मैन एक्सप्रेस दियर जॉय बाय डांसिंग द भंगड़ा. और लड़के जो है भंगड़ा पाते हैं, डांस करते हैं. इन बलूचिस्तान विच इज मेड अप ऑफ वास्ट बैरन लैंड्स एंड ड्राई माउंटेंस. बलूचिस्तान का जो सूबा है वो बहुत बड़ी जमीन है, वास्ट लैंड है, कुछ जमीन बंजर है, पहाड़ी इलाके हैं और कुछ हरियाली है वहाँ पर. एक्सट्रीम वेदर मेक्स लाइफ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पीपल. क्योंकि मौसम बड़ा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी आपको मिलेगी वहाँ पर, दोनों तरह के मौसम हैं, तो लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लोगों के लिए वहाँ. इवन दो लार्ज एंड स्मॉल टाउन्स हैव डिवेलप. अगरचे छोटे बड़े टाउन वजूद में आ चुके हैं, मैनी पीपल स्टिल लिव अ नोमैडिक लाइफ. कई लोग आज भी नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते हैं. दे कीप शिफ्टिंग दियर होम्स, अपने घर शिफ्ट करते रहते हैं. इन विंटर दे कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड इन समर दे गो टू दियर होम्स इन द हिल्स. सर्दियों के मौसम में वो माउंटेन से मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, मैदानी इलाकों से गर्मियों में पहाड़ी इलाके पे चले आते हैं.
In extreme cold weather, they place a sandy a local coal stove with a little burning coal in the middle of the room. जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है, ज्यादा ठंड होती है, तो ये एक मिट्टी का एक चूल्हा सा बनाते हैं और उसमें कोल से यानी के कोयले से आग लगाते हैं उसको गर्म रखने के लिए कमरे को. मिडिल ऑफ द रूम इट इज केप्ट अंडर अ टेबल एंड अ लार्ज क्विल्ट और ब्लैंकेट इज स्प्रेड ओवर द टेबल. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट अंडर द क्विल्ट और द ब्लैंकेट टू कीप देमसेल्व्स वार्म. फिर लोग जो है वो अपनी टेबल पे या अपने अपने बिस्तर पे या जमीन पे वो क्विल्ट बिछा लेते हैं. रंगीन बुनी हुई एक कंबल की तरह होता है चादर, उसको बिछा के उस पर वो या उसको ओढ़ लेते हैं ताकि सर्दी से अपने आप को वो बचा सके. द बलूचिस्तान लीड अ सिंपल लाइफ. बलूचिस्तान जो है वहाँ के बलूचिस जो है द बलूचिस ये क्या करते हैं, ये सिंपल लाइफ गुजारते हैं, आसान सादा जिंदगी गुजारते हैं. दे स्प्रेड अ ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पे जमीन पे अपना ब्लैंकेट बिछाते हैं. प्लेस द फूड इन द मिडिल एंड सिट अराउंड इट टू हैव देयर मील्स. और बैठ जाते हैं जमीन पे बिछा के और वहाँ पे सारे लोग मिलके खाना खाते हैं. दे यूजुअली सिट एंड स्लीप ऑन द फ्लोर एंड इंटरटेन देयर गेस्ट इन द सेम वे. नॉर्मली वो ज़मीन पे ही चीज़ें बिछाते हैं अपना बिस्तर और वहीं पे खाना खाते हैं मील और वहीं पे वो सोते हैं. इसी तरह से अपने गेस्ट को वो मेहमान नवाजी करते हैं. वेल टू डू फैमिलीज यूज कारपेट्स इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट्स. जो अमीर लोग हैं वो यूज़ करते हैं कारपेट ब्लैंकेट की जगह पर. द रॉकी एरिया इज मोस्टली बैरन एंड वाटर इज हार्ड टू गेट. जो पहाड़ी इलाका है वहाँ वो बड़ा बंजर होता है, वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है रहना, पानी लाना स्पेशली. वुमेन हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. खवातीन को दूर दराज से पानी लेकर आना पड़ता है. द वुमेन ऑफ बलूचिस्तान वेयर मोस्ट ऑफ देयर ज्वेलरी ऑल द टाइम. और जो उनकी खवातीन होती हैं बलूचिस्तान की वो ज़्यादातर अपनी ज्वेलरी को पहन के रखती हैं. द ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ बलूचिस्तान इज ब्यूटिफुली डिजाइन. और जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी बलूचिस्तान की बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डिजाइन किया होता है. द बलूची वेडिंग सेरेमनीज आर परफॉर्म एमिड सॉन्ग्स एंड लाफ्टर विद मैन एंड वुमेन डांसिंग टू द लाइवली बीट ऑफ ड्रम्स. तो बलूची वेडिंग सेरेमनी जब परफॉर्म की जाती है उसमें सॉन्ग्स होते हैं, लाफ्टर होता है और मैन एंड वुमेन जो है वो डांस करते हैं. लाइवली बीट ऑफ ड्रम्स, ड्रम्स बजते, म्यूजिक बजता है और वो नाचते हैं. द ग्रूम फीस्ट हीज ऑन एंड द ब्राइड्स गेस्ट. तो जो ग्रूम है, जो दूल्हा होते हैं वो अपनी दावत करते हैं और ब्राइड्स के गेस्ट जो उनकी दावत होती है. द फूड इज ब्रॉट अलोंग विद द बारात. और जो खाना है वो लाया जाता है बारात के साथ में. द सिविलाइजेशन ऑफ सिंध. अब उसके बाद सिंध की बात है, जो उसकी तहजीब है सिंध की. द वैली ऑफ मेहरान, मेहरान की वादी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज्यादा ओल्ड है, पुरानी है. द एंशियंट सिटी ऑफ मोहेंजोदड़ो डेट्स बैक टू 2500 BC. तो मोहेंजोदड़ो की तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है, BC बिफोर क्राइस्ट. एंड इट्स रूइन स्पीक ऑफ द हाईली डिवेलप्ड सोसाइटी दैट एग्जिस्ट देयर अबाउट 5000 years ago. और उसकी तबाही के जो आसार मिलते हैं ये तकरीबन 5000 साल पुराने हैं. मोस्ट फेस्टिवल्स इन सिंध एज इन द पंजाब आर ऑफ अ रिलीजियस नेचर. ज़्यादातर जो सिंध के फेस्टिवल्स हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं जैसे पंजाब के हैं नेचर. डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कम टू द उर्स ऑफ मिस्टिक पोइट्स एंड सेंट्स लाइक शहबाज कलंदर एंड शाह अब्दुल लतीफ बिठाई. तो वहाँ भी शाह अब्दुल लतीफ बिठाई और लाल शहबाज कलंदर के मदारात हैं, लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से. मैनी फोक सॉन्ग्स आर संग टू दियर मेमोरी. और कई नगमे गाए जाते हैं, कवालियाँ गाई जाती हैं उनकी तारीफ में. द फोक म्यूजिक ऑफ सिंध इज वेरी स्वीट एंड मेलोडियस. सिंध के जो फोक म्यूजिक हैं, लोकगीत हैं, वो बहुत ही मेलोडियस हैं, सुरीले हैं. एक तारा इज अ पॉपुलर वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिंध फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. ये जो एक तारा इंस्ट्रूमेंट है ये एंशियंट टाइम्स से यूज हो रहा है सिंध में. एगोजा
is another instrument typical of this region. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सिंध में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तारीखी यूज होते हैं हिस्टोरिकल. द सिंधी एम्ब्रॉयडरी इज एडमायर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज. सिंधी एम्ब्रॉयडरी जो है कढ़ाई हुए हुए जो कपड़े हैं वो उसकी तारीफ होती है पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं. द ड्रेसिस ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन आर कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड इन सिल्क थ्रेड. मर्द और औरत दोनों के ड्रेसेस जो वो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं सिल्क के थ्रेड से रेशम के धागे से बने हुए. इवन फॉर दियर यूजुअली डेली वियर जो वो रोजमर्रा के कपड़े पहनते हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं. मोस्ट वीमेन वियर ड्रेसेस एम्ब्रॉयडर्ड हैवीली इन थ्रेड. ज्यादातर खवातीन जो है वो ज्यादा गहरे कढ़ाई वाले लिबास पहनती हैं. बीट्स एंड मिरर्स मिरर वर्क इज ऑल्सो डन ऑन पर्सेस एंड कुशन. तो यानी कि शीशे का काम होता है उनके कपड़ों पे, मिरर का काम होता है और बीड्स का काम होता है. ये तमाम चीज़ें उनके कुशन में भी बिस्तर पे भी ये चीज़ें सजाई जाती. सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम द एज ओल्ड सोशल ट्रेडिशनल ऑफ लैंड एंड सम फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड. कुछ कल्चर पाकिस्तान का जो है वो सोशल और ट्रेडिशनल है, पुराना है, और कुछ जो है वो मजहबी है, रिलीजियस बैकग्राउंड से है. बट नो मैटर व्हाट दियर ओरिजिन, कोई मैटर नहीं जो भी उनका ओरिजिन है, दीज कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग कस्टम्स एड चार्म टू द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान. यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, ये जो है चार्म लाते हैं, दिलकशी लाते हैं वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान के. यही पाकिस्तान की पहचान है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.